मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह ये पद अब आदेश कुमार गुप्ता संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने संगठन में हुए फेरबदल की जानकारी दी। आपको बता दें, आदेश कुमार गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर यानी मेयर रहे हैं और वर्तमान में पटेल नगर से पार्षद हैं। लेकिन इस फेरबदल के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर कोरोना वायरस प्रसार से बनी गंभीर परिस्थितियों के बीच भी ऐसा क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी के खिलाफ ये फैसला लिया। हम आपको बताएंगे उन बड़ी वजहों के बारे में जिनके कारण मनोज तिवारी को हटा दिया गया है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से। सबसे पहली वजह, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में क्रिकेट खेलना उन्हें भारी पड़ा। मनोज तिवारी दिल्ली चुनावों के बाद से लगातार राजनीति को लेकर अनमने होते जा रहे थे। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करके पड़ोसी राज्य हरियाणा में एक एकेडमी में क्रिकेट खेलते हुए वो देखे गए। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद रही, उनके क्रिकेट खेलने से अच्छा संदेश नहीं गया। बीजेपी के अंदर नेताओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का पालन नेताओं के लिए आवश्यक है। ऐसे में मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाकर एक ऐसे नेता को लाया गया है जो लंबे समय से जमीन से जुड़े हुए हैं। दूसरी वजह, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बुरी हार। आप सब जानते हैं दिल्ली का विधानसभा चुनाव मनोज तिवारी के नेतृत्व में लड़ा गया। दिल्ली से जुड़े अन्य बीजेपी नेताओं की बयानबाजी वायरल होने के बाद भी चुनावों में मनोज तिवारी ही चुनावी समीकरणों के लिए जिम्मेदार माने जा रहे थे। पार्टी की बुरी हार की जिम्मेदारी मनोज तिवारी पर ही हानी थी। कहा जा रहा था हार के बाद तुरंत ही पार्टी को उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन पार्टी ने योग्य नेता की तलाश में उन्हें इस पद पर कुछ दिन और रहने के लिए कहा। यानी बीजेपी चुनाव परिणाम के बाद से ही नए नेतृत्व की तलाश कर रही थी। पार्टी की खोज जब पूरी हुई, मनोज तिवारी को इस पद से हटा दिया गया। तीसरी वजह, सेलिब्रिटी नेताओं के मुकाबले बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ताओं पर भरोसा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें नेता संगठन से लंबे जुड़ाव और विचारधारा पर दशकों तक काम करने के बाद महत्वपूर्ण पदों पर आते हैं। ऐसे में कम ही होता है कि कोई सेलिब्रिटी नेता आकर बीजेपी में कोई महत्वपूर्ण पद संभाले। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ही किरण बेदी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर अपने प्रयोग पर पछता चुकी है। मनोज तिवारी को अध्यक्ष पद से हटाए जाने को भी इसी क्रम में देखा जा रहा है। उनकी जगह पर एक लगभग अनजाने नाम आदेश कुमार गुप्ता की नियुक्ति भी इस बात पर मुहर लगाती है। चौथी वजह, आगामी नगर निगम चुनावों की रोशनी में बदल गया है बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष। जैसा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले के बाद कहा भी है, पार्टी ने ये फैसला आगामी नगर निगम चुनावों को दिमाग में रखते हुए लिया है। आपको बता दें, बीजेपी दिल्ली पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी तीनों ही नगर निगमों पर कब्जा जमाए हुए है। अगले MCD चुनाव 2022 में होने हैं। मनोज तिवारी के बजाय स्थानीय राजनीति को अच्छे से समझने वाले एक नेता को दिल्ली में अध्यक्ष के पद पर लाना जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए। पांचवी वजह, कोरोना की लड़ाई में राज्य सरकारों का नेतृत्व कर रही है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल ये पांच बड़ी वजह है जिनके बलबूते बीजेपी का फैसला मनोज तिवारी के खिलाफ गया है। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।